मेरा नाम शेख जुबेर पटेल है। अपनी शॉप का नाम है लक्की जूस सेंटर यम्मी पिज्जा, रोशन गेट लक्की जूस सेंटर। यम्मी पिज्जा पे अपन ऑफर रखे 100 रुपीज में अपन 2 चिकन पिज्जा दे रहे। आप एक बार आके विजिट करो, ऑफर दे रहे। अपने ऑफर की डेट है 3, 4, 5, 6, 7। अपन होम डिलीवरी फ्री दे रहे हैं। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से हुसैन नगर के अंदर गट नंबर 26 के अंदर। ये एरिया महानगर पालिका में आके काफ़ी साल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इतने साल होने के बावजूद भी यहाँ के जनता को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आइए हम यहाँ की जनता से पूछते हैं क्या मसले मसाइल है। हाँ सर, देखिए साहब, यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 मकान बने हुए हैं और यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं जो होती वो उसमें से ना, पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, पीने के पानी का। और रास्ता, ये रास्ता वो मेन रास्ता है जो लगभग यहाँ के 3 आबादियों को पीछे जाकर कनेक्ट होता है। एक शिल्प नगर है, पीछे अक्सा कॉलोनी है और इस तरफ जो है तो सुप्रगति कॉलोनी है। ये रास्ता बारिश में इस कदर ख़राब हो जाता है कि कई 2-3 महिलाओं को मैंने गाड़ी पे से गिरे हुए, स्लिप हुए, मैंने उनको मदद किया, उठाया हूँ। तो लिहाजा ये एक रास्ता सबसे बड़ा मसला है। दूसरा, पीने का पानी, यहाँ पीने का पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। हर घर पे जो है तो ख़रीदा जाता है पानी, कोई अपनी बलबूते पे जाकर लेकर आता है या कोई जाकर के महानगर पालिका के जो टैंकर चलते हैं उनसे ख़रीद लेते हैं। पीने के पानी के अलावा और क्या मसला है? स्ट्रीट लाइन बिल्कुल नहीं है पूरे मोहल्ले में, बैक साइड में भी कहीं भी स्ट्रीट लैंप नहीं है। रात के वक्त जो है तो किसी ने महिलाओं को चलने के लिए, जवान बच्चियों को जाने आने के लिए बेहद दिक्कतें होती है और इसकी वजह कभी कभी किसी को जोखिम उठाने की भी नौबत ना आए फ्यूचर में। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी ये जो मसला है रास्ते का, पानी का, पीने के पानी का, ये अगर हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ की खत्म होंगी। म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से और महानगर पालिका से, मैं उनसे पांडे साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम आबादी की तरफ से यहाँ के, कि यहाँ पे जल्द से जल्द रास्ता, पीने के पानी और रास्ते पे स्ट्रीट लैंप जल्द से जल्द बने, ये मैं आवाम की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम है सलीम शेख। क्या मसला है सर वार्ड के अंदर? ये वार्ड के अंदर आज 10 साल से आबादी से मैं तो यही रह रहा हूँ 10 साल से, लेकिन यहाँ रोड का मसला है और वोल्टेज का मसला है और यहाँ के आबादी वाले स्टैंडर्ड एरिया होने के बावजूद पूरा लाइट बिल वगैरह पूरा भरते है, फिर भी वोल्टेज मिलता ही नहीं है। ना हमारा पानी की मोटर चलती है ना कुछ चलती है। हमने लाख कोशिश करे, सब करे, पर उससे कोई मसला हल हो रहा नहीं। आपके वार्ड में पीने का पानी मिलता क्या? नहीं नहीं, पानी भी नहीं मिलता, 10 साल से पानी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता इधर। और इसके अलावा क्या मसला है? हाँ, रोड का मसला है। रोड 10 बार सेंक्शन होता है, 10 बार बन रहा भी नहीं, कुछ नहीं, लोगों की परेशानी हो रही। 3-4 बस्ती आजू बाजू की सब इधर से जाते हैं, लेडीज वगैरह गिरते, बच्चे वगैरह गिरते, बहुत हादसे हो जाते इधर। ठीक। मेरा नाम अशफाक मोतीवाला है। क्या मसला है वार्ड का? मसला तो ऐसा है कि भाई मैं 5 साल से आया, जब तक तो पानी का तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा है रोड का मंजूरी का है, तो मेरे को 2 बार मैं कॉर्पोरेशन जाके आया था, बोले अपना काम मंजूरी में, प्रोसेस में, टेंडर में, तो कुछ यहाँ हो ही नहीं अभी तक। बात की आपने महानगर पालिका, यही ऐसा उड़ा उड़ू के उत्तर दिए सबने। बाकी उसके बाद पानी के लिए गया था साहब के पास एक बार, तो कॉर्पोरेशन के टैंकर लगाए, वो भी चला, बाद में एक दिन आ रहा, 2 दिन नहीं आ रहा, उसको भी कैंसिल करे। अच्छा, इसके अलावा क्या और क्या मसला है? बाकी लोड शेडिंग का है, ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज कम है, डीपेज कम होने से पानी भी नहीं आ रहा जो बोर को आता था वो भी। अच्छा, अभी 2 साल से बॉडी डिजॉल्व हो गई है महानगर पालिका की, नगर सेवक नहीं है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका काम नहीं कर रही। तो यहाँ के जो पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने यहाँ के वार्ड में कुछ काम नहीं करेगा? इधर एक भी बार नहीं आए हो? एक भी बार नहीं आए जाके उनको बोले नहीं, आप कहा इधर आते नहीं तो क्या करेंगे, कहा जाएंगे फिर उनको बोलने? क्या नाम है उनका? साहिली जवादार। कौन सी पार्टी से? राष्ट्र कांग्रेस। तो यहाँ के साकियान ने बोले जाके उनको कि फिर भी उन्होंने आके यहाँ नहीं देखे नगर से? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने कभी आपके जो महल्ले का मसला है पीने का या रोड का, तो इस ताल्लुक से आपने कहीं महानगर पालिका में कभी कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की है? नहीं, वैसे गए नहीं, वैसा नहीं, नहीं। अच्छा, आपकी क्या मांग है म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से और महानगर पालिका? बस हमें को रोड वोल्टेज फुल और जो पीने का पानी और स्ट्रीट लाइट वो हो गई, बस वो छोड़ना मांगो, दूसरा क्या होना साहब? क्या मसला है साहब वार्ड के अंदर? इस वार्ड के अंदर तो पहले सबसे पहले तो रोड का बहुत बड़ा मसला है। रोड पर चलने के लिए जो है बारिश के वक्त में कई लोग मोटरसाइकिल पर, स्कूटर से गिर पड़े यहाँ पर,
और चलने को जो है कीचड़ इतना होता है कि जो है चलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है कि पानी, पीने का पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, खरीद के पानी पिया जाता है कई 5 सालों से, कोई बोलता 10 साल से। और दूसरा स्ट्रीट लाइट है नहीं, पूरे रात में अंधेरा रहता है। और बाकी चीज़ें तो जो ये मूलभूत 3 चीज़ें, वो तीनों चीज़ें नहीं है तो फिर और क्या क्या चाहिए जनता को, तो यही चाहिए। आपकी मांग क्या है म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से और महानगर पालिका? पांडे साहब से पहले ये मांग करेंगे कि भाई यहाँ पर रोड बन जाए, यहाँ पानी की सुविधा हो जाए और स्ट्रीट लाइट हो जाए तो फिर हमारी समस्या हल हो जाएगा। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे हुसैन नगर गट नंबर 26 यहाँ के रहीवासियों से बात की है और यहाँ के रहीवासी इतने नाराज़ है महानगर पालिका से और म्युनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब से कि ये एरिया महानगर पालिका में आने के बावजूद भी यहाँ पे कोई महानगर पालिका डेवलपमेंट करना नहीं चाहती, ना ही रोड्स है, ना ही पीने का पानी है, ना ही चैम्बर लाइन है। और लाइट का भी इस कदर मसला है कि लो वोल्टेज रहता है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है रोड के ऊपर। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।